हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस। तो आज इस वीडियो में हम इसकी वर्कशीट, कैसे इसका यूज किया जाता है वो सब देखेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स दैट आर कंबाइंड। यानी जब हम दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बना देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में होता है वो वर्ड हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि ही इज, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरह से, ही इज। तो आप कई बार स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे बच्चों को स्टोरी पढ़ाते हैं तो उसमें इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन यूज होते हैं, अपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। ये जो छोटा सा कॉमा ऊपर की साइड आप देख रहे हैं इसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। तो अपोस्ट्रॉफी एस इस तरह से बोल दिया जाता है। तो ही इज को अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे। कई बार बुक्स में लिखा रहता है स्टोरी वगैरह में, तो वो यही बात होती है, सेम मीनिंग है उसका, बट बस शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह से नॉट वाले वर्ड्स आप बहुत ज्यादा देखेंगे, इज नॉट, विल नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, कैन नॉट। तो ये सारे वर्ड भी शॉर्ट में लिखे जा सकते हैं इस तरह से, इजंट, इसको हम बोलते हैं इजेंट। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ। आई एम को शॉर्ट में हम इस तरह से लिख रहे हैं, आई एम, आई विल, आई, इट इज, इट्स, ठीक है। कई बार आप स्टोरी सुनते हैं तो उसमें भी इट इज की जगह इट्स इस तरह से बोला जाता है, आई विल की जगह आई। तो अब जैसे कि ग्रेड टू में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बट काफी कम वर्ड ही कराए जाते हैं। ग्रेड थ्री में ये ज्यादा कराया जाता है, और ग्रेड फोर में तो फुल फ्लैश जितने भी वर्ड्स हैं, अभी मैं यहाँ पे सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली आपको बताऊंगी, वो सब आपको ग्रेड फोर में तो बच्चों को कराने ही है, और सेंटेंस में उनका यूज किस तरह से किया जाता है वो भी हम देखेंगे। शी इज, शी इज, तो अल्फाबेटिकली यहाँ पे आप देख सकते लिखे हुए हैं सारे कॉन्ट्रैक्शन, आर नॉट। तो मैंने आपको बताया जितने भी नॉट वाले वर्ड हैं नेगेटिव सेंटेंस में, आर नॉट, इज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, तो इस सब में हम इस तरह से यूज करते हैं। कांट, कैन नॉट को हम क्या बोलते हैं, कांट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार क्या बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जब ये चीज उनको समझ में आ जाएगी कि ये शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट की, तो रेकोनाइज कर पाएंगे कि कांट मतलब क्या है हमारा, कैन नॉट, कुडेंट, ठीक है। कोई भी स्टोरी बच्चा सुनता है, रीडिंग करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कुडेंट, डिडेंट, डोंट, आई डोंट लाइक पिज्जा, इस तरह से। तो डू नॉट की जगह क्या यूज हो रहा है, डोंट। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, और आप अगर पेरेंट हैं या टीचर हैं बच्चों को करा रहे हैं तो स्टार्टिंग में 10-10 करके ही उनको कराइए, देन वो खुद ही समझ जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ही विल, ही, इस तरह से लिखा है। आई हैड, शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। आई वुड, कुछ ऐसे भी हैं जिन जो सेम होते हैं। इट इज का मैंने आपको बताया था, इट्स, इट हैज का भी इट्स, इट मस्ट नॉट, ठीक है। तो इस तरह से वन बाय वन यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, 10-10 करके आप बच्चों को कराइए, और फिर उनसे फिर वर्कशीट कराएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारा कुछ समझा दीजिए सारे वर्ड्स, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके कराइए। जैसे कि विल नॉट को हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट। काफी बार हम सुनते हैं वोंट वर्ड, या कोई आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं बच्चों को, कोई कार्टून देख रहे हैं इंग्लिश में, तो वोंट वर्ड यूज होता है, तो उसका मतलब होता है विल नॉट। आप चाहें तो कॉपी में भी अपने लिख सकते हैं ये, या डे बाय डे करके करना चाहें तो डे बाय डे करके भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इस तरह से बच्चों को दिए जाते हैं क्वेश्चन स्कूल में, शी इज माई सिस्टर, तो या तो शी इज पे अंडरलाइन कर दी जाती है कि इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, या फिर सेंटेंस डायरेक्ट दिया जाता है और इसमें लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके आप सेंटेंस लिखिए। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे, शी इज माई सिस्टर। जेनी कैन नॉट ड्राइव येट, तो कैन नॉट को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, कांट, जेनी कांट ड्राइव
येट। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस का साइज छोटा हो गया है। जैसे जल्दी जल्दी राइटिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, बड़ा वर्ड लिखने की जगह हम चाहते हैं कि कुछ छोटा लिख दें, तो वहीं पर ये वर्ड हम यूज करते हैं, यू विल एंजॉय द बुक। तो इस तरह से लिखा जाएगा, डिडेंट इट डिडेंट रेन लास्ट नाइट। यूज एन एपोस्ट्रोफी टू कंबाइन द वर्ड्स। अब ये सारे वर्ड्स हैं, अगर आपने अब तक कर लिए, अच्छे से रीड कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो फिर इसको आप सॉल्व करिए, पता चलेगा, क्योंकि ये मिक्स हुए हुए हैं, आगे पीछे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने आते हैं करने और कितने नहीं आते। वीडियो को आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, देन फिर आंसर अपना चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। इस तरह से अपोजिट में भी आता है कि अपोस्ट्रोफी आपको रिमूव करना है और फुल वर्ड लिखना है, तो दोनों तरह से ही आपको करना आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।